कि अगर ये जुबान वाले ना बोलेंगे तो बम फट फट कर अपनी बेजुबानी में डाल देंगे, अगर ना बोला जाएगा तो कभी ना बोला जाएगा। ये देखिए हमारे नौजवान तशरीफ ला रहे हैं, बिल्कुल अब ऐसा लग रहा है कि जश्न का आगाज होने वाला है, क्योंकि ये हमारी मजबूरी थी मोहतरम जनाब आगा सरोश हैदराबादी। और सबको पढ़ाएंगे, देखिए आज की टीम का कैप्टन मैं बनाया गया हूँ, जब जिसको चाहूंगा उसको पढ़वा दूंगा। जब मैं मीर नज़ीर बाखरी साहब को भी रोके हुआ हूं और जब आगा सरोज को पहले मतलब पे पढ़ा सकता हूं तो फिर सोचिए कि मैं पढ़ाऊंगा। देखिए इन्हीं चेहरों का इंतज़ार है, ये चेहरे आ रहे हैं भाईजान। अभी मैं निज़ामत कर रहा था एक जगह, तो मैंने कहा चेहरों में कुछ चेहरों का इंतज़ार है तो निज़ामत का आगाज़ करो, तो खामोशी मच गई। तो बाद में मैंने पूछा साहब ये खामोशी क्यों हो गई थी, तो कहा मौलाना जैसे ही आपने चेहरों कहा कुछ लोग चोरों समझ गए, तो अब चेहरों कहनों में भी डर लगता है कि कहीं चोरों ना समझ जाए। तो देखिए हमारे बहुत खूबसूरत मेरे दोस्त अली शब्बर नौगानवी साहब तशरीफ ला चुके हैं, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जो शायर का जिस वक्त मकाम होगा उस वक्त लगाया जाएगा। जो जानकार हैं मिट्टी से जान लेते हैं, शजर किसी को भी शजरा नहीं बताता है, तो जिस वक्त जिसकी जो ज़रूरत होगी वो उस वक्त बिल्कुल उसको पेश किया जाएगा। मगर अभी वक्त है एक ऐसे अवार्ड का कि जो जिसको दी जाए और ताकि हौसला अफजाई हो सके, हौसला अफजाई हो सके, ताकि जो दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं जो लोग उसमें मौलाना अली ज़हीर अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें महरूख मिर्ज़ा साहब वाइस चांसलर ये भी हमारे बीच में हैं। मैं मोहतरम जनाब आबिस जरवली साहब से गुजारिश करूंगा कि बराए करम वो भी तशरीफ लें। हजरात सलाम अलैकुम, हमारे लिए बड़े फख्र की बात है, हमारी कौम के लिए, हमारी मिल्लत के लिए, कि एक अरसे के बाद कोई इतना पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया कि वो किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो गया। और ये एक पैगाम है, गो के इस वक्त इस मजमे में ये कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं महरूख साहब को बहुत अच्छी जना जानता हूँ, महरूख मिर्ज़ा साहब को, और वो शायद इस बात को नोटिस ना लें। मैं सिर्फ यहाँ पर चूँकि अक्सरियत एम्ब्रॉयडरी के काम करने वालों की है, कारखानदारों की है, कारीगरों की है, ये मशले राह हैं हमारी कौम के लिए, हमारी मिल्लत के लिए, हमारी शियत के लिए। ये किसी बहुत बड़े पढ़े लिखे घराने के फर नहीं है, ये इसी माशरे से उठे हुए एक बाप की नेक नियति, एक माँ की मेहनत आज उसका समरा है कि आज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अरबी फारसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमारे महरूख मिर्ज़ा साहब हुए हैं। मैंने इनसे गुजारिश की थी ये तशरीफ लाएं और एक अवार्ड इस वक्त हम चाहते हैं कि मौलाना एजाज अथर साहब अपने हाथों से मौलाना जनाब महरूख मिर्ज़ा साहब के को पेश करते भाई। थोड़ा सा उधर थोड़ा कैमरे वैमरे में आ जाए। ये पूरी इबादत की शाम में ये दो मिनट मुझे जो सर्फ करना पड़े, मैं इसके लिए पहले ही माजरत चाहूँगा, आप लोगों के बीच में खलल बन गया। लेकिन मैं हसन ज़हीर साहब से ये कहना चाह रहा था कि उन्होंने कहा मैं कहीं और से पढ़ के वाइस चांसलर नहीं बना, चंद दिन पहले आप ही लोगों में पीछे बैठा रहता था उसमें से निकल के यहाँ वाइस चांसलर बना। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जैसा उन्होंने कहा है कि इनके वालिद साहब के साथ, हमारे वालिद साहब मैं समझता हूँ 1955 या 56 के करीब या 53 में जियारत करने पानी वाले जहाज से गए थे। उस वक्त मेरी बहन भी और मेरे वालिद साहब भी आपके साथ गए थे। तब से एक अंदर दिली जुड़ाव रहता था। आपका हुक्म हुआ, तबीयत खराब थी, मैंने ये भी नहीं पूछा कि क्यों बुलाया,
लेकिन ये बोला कहा कि इमामबाड़े में महफिल है, तो मैंने कहा मैं आऊँगा ज़रूर, चाहे 5 मिनट के लिए आऊँ। और ये हकीकत है कि जो सर पे टोपी हसन ज़हीर साहब के लगी है, ऐसी ही टोपी पहले मखमल की पतली सी होती थी वो मेरे वालिद साहब के सर पे लगी रहती थी, और उसके अंदर एक सुई होती थी, उस सुई के अंदर एक तागा होता था, वही तागा जरिया माश बना जिन्होंने 5 बेटे और 2 बेटियों को बड़ा कर दिया, और जिसमें सबसे छोटा आपके सामने आपकी खिदमत के लिए मैं बज़ाहिर नहीं रहता हूँ और ये इमामबाड़े के हदूद में कह रहा हूँ। इंशाल्लाह कभी भी हमारी वजह से किसी शियत को नुकसान जर्रा बराबर भी नहीं पहुँचेगा कि, लेकिन ये समझने की सलाहियत अल्लाह ने दे दी है कि मैं ये समझ जाता हूँ कि कहाँ पे कौम का सौदा हो रहा है, कहाँ पे अमामा बिक रहा है, कहाँ पे शेरवानी बिक रही है। शुक्रिया, माफ कीजिए। अब मैं एक नौजवान अहसन जैदी साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मौलाना इफ्तिखार साहब की खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और मौलाना जनाब अहसन जैदी साहब को एक अवार्ड, मौलाना अली जहीर अवार्ड। आप सभी आजाद का बहुत बहुत शुक्रिया। हसन जैदी साहब, अहसन वो तो हो गए, माफ कीजिएगा जरा सी जहमत हुई, बाबा जबलन नारे सलवार।